और चीज थी, मैंने अपना कॉलेज का आईडी कार्ड लाना भूल गई थी। इसकी वजह से मैं इतना वेट करना पड़ा और इतना हसल हुआ वहाँ पे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ विज्ञान भवन कॉलेज के काम से। एक्चुअली आई एम NSS वॉलंटियर इन कॉलेज, तो हम सबको विज्ञान जाना था। अभी मैं मेट्रो चेंज कर रही हूँ राजीव स्टॉप से और फिर हम जल्दी जाते हैं, मैं लेट हो गई हूँ। बाय लग रहा है। आज हम बढ़िया, बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं। हाँ, तो अब हम उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर रह चुके हैं और अब हम एग्जिट लेते हैं। आई थिंक इधर से जाना होगा। हाँ, और अब हम आपको वहाँ पर जगह दिखाएंगे। गाइस, मेरा आउटफिट कैसे लग रहा है मुझे अभी दिखाते हो पीछे से। तो गाइस, हमने एग्जिट ले ली है और अब हम देख रहे हैं कि हमें किस साइड जाना है। अभी हम पहुंच जाते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे। हम विज्ञान भवन आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं और NSS की बिल्डिंग है और ये है वो इवेंट जिसमें हम आए हैं। पढ़ लो, इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का है और ये चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे आ तो गए हैं वैसे, बट हमें एक बात बोल दी गई है कि यहाँ पे अभी कंफर्मेशन ही नहीं है। मैट्री कॉलेज अगेन। नहीं, मतलब उन्होंने ये बोला है, क्या बोला था उस लड़की ने कि मतलब जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, अगर बाकी लोग नहीं आए तो हमें एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो चल चल पाएगा। नहीं कि हम वेटिंग लिस्ट पे हैं, लाइक हमारा पूरा कॉलेज ही वेटिंग लिस्ट पे, नॉट हम। तो यही बात है, मतलब फिर हम अभी आए, आना वैसे 9 बजे। हाँ, हम तो आए पे लेट हैं, मैं तो जाऊँगा वहाँ पे लेट ही हो रहा है। तो हम क्लास में टाइम पर पहुँचते हैं यहाँ तो मतलब अब फिर से हमारे साथ एक और बीटी हो गई है गाइज। अभी हमें एंट्री मिलेगी या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो जब सॉल्व होगा तब हम आपको फिर से कैमरा ऑन करके बताएंगे। तो गाइज, हमें एंट्री मिल गई है, हमें कार्ड मिल गए हैं और बहुत ही वेट करना पड़ा वैसे हमें, बट कोई बात नहीं, कम से कम एंट्री मिलेगा ना। लाइन दिखाते कितनी बड़ी थ्योरी, अब तो कम हो गई है वैसे, बट हाँ कि यहाँ पे इनको कंफर्मेशन नहीं मिली थी इसलिए हमें कार्ड से ही मिले थे, बट अब मिल गई। कम्युनिकेशन हो गई, पता हमें अंदर बोर होना। हाँ, बट चल, मैंने अपना कॉलेज का आईडी कार्ड लाना भूल गई थी, बट चल अब उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। गाइस, ये आमिटी के स्टूडेंट्स हैं जो इतने सोफिस्टिकेटेड बनकर आए हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स इतने ऐसे क्यों होते हैं, मतलब ज़्यादा ही प्रोफेशनलिज्म, लैपटॉप, हम तो ऐसे वाइट शर्ट, हम तो घर के कपड़ों में आ गए यार। यार मैंने यही बहुत पसंद, मैं तो आईडी भी नहीं लेकर आई। सॉरी अंकल, यू आर वॉचिंग दिस। ये पूरा ऑर्गेनाइजर एक कर रहे हैं, 9 बजे से खाली है हम ना।
बहुत स्ट्रगल के बाद एंट्री मिल गई है और यहाँ पे मतलब ब्रेक चल रहा है एक्चुअली टी ब्रेक के नाम पे ढोकला सैंडविच राइस सब मिल रहा है। मैं प्रॉपर रोड नहीं कर रहा हूँ। हाँ अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यदि आपको ये बूफे देखे कैसे लग रहा है खाएंगे तो फिर और ज़्यादा अच्छा। और वहाँ पे भी है गाइस बहुत सारा और ये बिल्डिंग आपको दिखा देती कुछ ऐसी है। प्लेट्स नहीं मिल रही है। हाँ प्लेट्स हमें नहीं मिली। किसने हमें झूठ बोल दिया हमारे प्लेट तो खाना तो मिल गया हमें। यू आर गोरी मतलब थोड़ी सुंदर भी लग रही है। हाँ तो द थिंग इज़ कि देखो गाइस मैं दिखाती हूँ जैसे इसकी प्लेट तो मैं आपको इसकी प्लेट है इससे तो इतनी ही है ना तो और मेरी तो इतनी है मतलब मैंने फिर भी दो रात कर रही थी कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो बूफे के नाम पे बहुत सारा भर लेते हैं और फिर वो खाते नहीं है तो क्या इज दिस राइट खाते नहीं जितना खा सको तो दस बार लोग कौन रोक रहे फूड वेस्ट भी होता है ऐसे तभी वो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह वो ले जाते हैं खाना भर के फिर फाइन लगाना शुरू करते हैं वॉट टाइम जिसकी अगर आप खा सकते हो तो मुझे टेक अदरवाइज यू शुड नॉट। हाय यति। हाय सॉरी। यति इतने ध्यान से सब सिलेक्ट कर रही है। सेमिनार एंड ऑल अटेंड कर लिया और अंदर फोन अलाउड नहीं थे इसलिए हम कुछ शूट नहीं कर पाए और बैग वगैरह टिफिन लंच बॉक्स मतलब बॉटल सब कुछ बाहर था इवन फोन अलाउड नहीं थे। तो यहाँ तक ले जाने दिए वो बहुत बड़ी बात हाँ क्योंकि वो टी ब्रेक तक तो मतलब और लंच ब्रेक तक तो सब कुछ था जितना था हम दिखा देगा आपको उसके बाद तो कुछ नहीं था तो यही था आज का व्लॉग गाइस प्लीज़ हमें कमेंट बताओ कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और यति को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। सो गाइस मैं जस्ट अभी अपने घर पहुंची हूँ एंड लेट मी टेल यू कि वहाँ पे क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ था जिसकी वजह से हमें इतना वेट करना पड़ा और इतना हसल हुआ वहाँ पे तो द थिंग वॉज कि पहले तो वहाँ पे हमें टिकट्स नहीं दी गई थी क्योंकि हमारे कॉलेज ने कंफर्मेशन ईमेल ही नहीं चेक किया था एंड उन्हें लगा एंड पूरे यूनिवर्सिटी से लाइक फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उनको टोटल आई गेस कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए थे बट व्हाट आर कॉलेज थॉट वाज कि हमें पर यूनिवर्सिटी से इतने बच्चे चाहिए तो पहले हमें टिकट्स नहीं मिल रही थी मतलब वहाँ पे जो भी कार्ड या इनविटेशन कार्ड था वो नहीं मिल रहा था फिर उसके बाद इतनी मुश्किल से जो हमारे साथ हमारी कन्वीनर टीचर गई थी उन्होंने मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके मिनिस्ट्री वालों से उन्होंने वो इनविटेशन कार्ड्स लिए फिर उसके बाद जब हम विज्ञान भवन के अंदर एंटर हुए तो द थिंग वॉज कि हमें अंदर एंटर ही नहीं करने दिया उन्होंने ये बोला कि सीट्स फुल हो गई हैं एंड वहाँ पे आमेटी के स्टूडेंट्स भी थे एंड वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स थे एंड वहाँ पे सारे कॉलेजेस के लाइक तो सारे कॉलेजेस के बच्चे आए थे बट देन उन सबको मतलब हमें एंटर ही नहीं करने दिया गया उन्होंने बोला सीट्स फुल हो गई है तो वहाँ पे काइंड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बहस की टीचर्स ने बहस की कि आपने हमें इनविटेशन कार्ड ही फिर क्यों दिया विच वॉज राइट कि अगर सीट्स फुल हो गई थी तो फिर हमें मतलब लाइक उसके अंदर भी एंटर नहीं होने देना चाहिए था और हमें फिर इनविटेशन कार्ड्स भी नहीं देने चाहिए थे इफ़ वी काउंट फ्रॉम 8:30 तो हमारी एंट्री 12 बजे हुई थी एंड 12 बजे भी आई गेस वो इसलिए हुई थी बिकॉज जो स्पीकर हमें जिसको देखने जाना था वो तो तब तक उनका जो इवेंट था वो ख़त्म हो गया था तो हमें उनका जो लंच नॉट लंच उनका जो टी ब्रेक था हमें उसमें एंट्री की थी तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी जितनी भी छोटी सी थी सो डू लाइक माई वीडियो डू कॉमेंट ऑन माई वीडियो हाँ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।